चिल्ड्रेन, मेरे पास ना ये दो लेटर्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन कौन से लेटर्स हैं। कैन यू सी इट? आप मेरी मदद कर सकते हैं? विच वन इज डब्ल्यू? ये एम है क्या? आई गेस ये वाला एम है। लेट्स ज्वाइन दिस, मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ। प्लीज ऐसे 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 ऐसे, ये इसकी स्टैंडिंग लाइन अपवर्ड्स है ना, और इसकी स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड्स, राइट? ये एम है और ये डब्ल्यू है, ऐसा है क्या? या फिर ये डब्ल्यू है और ये एम है और मैंने ऐसे गलत पकड़ रखा था? विच वन इज करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? ये एम और ये डब्ल्यू है? नो, दिस इज एम एंड दिस इज डब्ल्यू। बट इन सब में क्या आपने नोटिस किया, एम और डब्ल्यू इज ऑपोजिट। अगर हम एम बनाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो वो डब्ल्यू दिखेगा, है ना? और डब्ल्यू बना के अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो एम जैसा दिखेगा, है ना चिल्ड्रन? दिस इज सो क्यूट। बट डोंट फॉरगेट एम और डब्ल्यू का डिफरेंस। एम में हम स्टैंडिंग लाइन ऐसे बनाते हैं, बीच में वी बनता है, सो बीच में बनेगा वी, ठीक है? अब डब्ल्यू में हम क्या करते हैं, दो वी कनेक्ट करते हैं। जैसे एक ये वी है ना, ऐसा दो वी, वन वी एक और वी, लेकिन दोनों कनेक्टेड एंड दैट बिकम्स डब्ल्यू। एंड यू नो चिल्ड्रन, डब्ल्यू से क्या होता है? डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू फॉर वाटर, जो हम पानी पीते हैं, है ना? तो पानी पीते हैं और पानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉटर। डब्ल्यू फॉर वॉटर एंड डब्ल्यू फॉर वॉटरमेलन। आपने एक बड़ा सा वो देखा है फ्रूट, ग्रीन कलर का होता है, सब बिग फ्रूट होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं। इट लुक्स लाइक अ बॉल, है ना? बड़ा सा बॉल जैसा होता है और उसको जब हम कट करते हैं तो अंदर से जूसी रेड कलर का फ्रूट निकलता है, विच वी लव टू ईट, विच इज वेरी स्वीट, दैट्स कॉल्ड वाटरमेलन। ओके, एंड डब्ल्यू से ना चिल्ड्रन एक बड़ी सी फिश होती है, द बिगेस्ट फिश, उसको हम क्या बोलते हैं? डू यू नो? वेल। डब्ल्यू फॉर वेल, जो बहुत बड़ी फिश होती है और इतनी बड़ी होती है कि वो नदी में या तालाब में नहीं रह सकती, रिवर या पॉन्ड में नहीं रह सकती। इट लिव इन द सी, जो समुद्र होता है ना वहां रहती है और अंडर वाटर रहती है। इट्स सो बिग। ओके चिल्ड्रन, सो डब्ल्यू से इतनी सारी चीजें होती हैं। ऑलराइट, अब हम सीखेंगे डब्ल्यू हमको बनाना कैसे है। अभी तो मैंने आपको इसमें बताया है ना, लेकिन ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। आई टीच यू हाउ टू मेक डब्ल्यू। दिस इज डब्ल्यू, पहले यहां पे एम लिखा था, है ना? अब हम ये लिखेंगे डब्ल्यू। और अब हम डब्ल्यू कैसे लिखेंगे, दिस आई विल टीच यू। सो विथ टू डॉट्स गिवन, आपके डॉट्स मतलब आपकी कॉपी में डॉट्स मम्मा या पापा बना देंगे, एंड विथ दीज टू डॉट्स वी हैव टू राइट डब्ल्यू। हाउ विल यू राइट? पहले एक स्लांटिंग लाइन ऐसे, एक स्लांटिंग लाइन अप, एक स्लांटिंग लाइन डाउन, एक स्लांटिंग लाइन अप, एंड दैट इज डब्ल्यू। ओके, ये है ना, हम गाना गा गा के भी कर सकते हैं। हाउ? सी, वन स्लांटिंग लाइन डाउन, वन स्लांटिंग लाइन अप, one slanting line down, one slanting line up, and that's a W. One slanting line down, one slanting line up, one slanting line down, one slanting line up, and that's a W. One slanting line down, one slanting line up, one slanting line down, and a slanting line up, and that's a W. Yes, remember? So, अब ये song है ना, आपको जल्दी से याद भी करना है, और याद कर लोगे तो आपको W भी बनाना आ जाएगा, है ना? और W से क्या क्या होता है चिल्ड्रेन, लेट्स जस्ट रिवाइज। W फॉर वॉटर, पानी, जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। W फॉर वॉटरमेलन, वॉटरमेलन इज अ फ्रूट, मतलब तरबूज। एंड W फॉर वेल, द बिगेस्ट फिश। ऑलराइट चिल्ड्रेन, सो ये आपको W बनाना है ऐसे, एंड
send it to me. I'll see you next time, children. Take care. Bye-bye. Happy learning.